कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद से हिंदुस्तान में भी हलचल मच गई है। इसे लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। कोरोना के नए स्ट्रेन की खबर से दहशत है। यूके से जो लोग भारत आए हैं उन्हें चेक किया जाना है। इसके लिए सरकार राज्यों से संपर्क कर रही है। अभी तक दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता एयरपोर्ट पर 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 नवंबर के बाद आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आंकड़े को इकट्ठा किया जा रहा है और उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। ब्रिटेन से 25 नवंबर से 22 दिसंबर तक 50,832 लोग आए। इन सभी लोगों की तलाश शुरू हो गई है। इन लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। ये लिस्ट राज्यों के साथ साझा की जा रही है। सबसे ज्यादा 16,281 लोग दिल्ली में आए हैं। अपील की जा रही है कि जो लोग भी ब्रिटेन से आए हैं वो खुद सामने आए और अपना कोरोना टेस्ट कराएं, नहीं तो वो सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। व्यक्ति जो यूके से आया है या उसके कांटेक्ट में कोई और आया है वो अपने आप खुद डिक्लेयर करे, प्लीज अपने आप आ गया के कहिए प्लीज हमारा टेस्ट करिए, प्लीज चेक करिए कि हमारे में डिफरेंट स्ट्रेन तो नहीं है। एक और बड़ी खतरनाक बात यह है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से बच्चों को ज्यादा खतरा है। ब्रिटेन सरकार के न्यू एंड एमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट्स एडवाइजरी ग्रुप के सदस्यों ने यह दावा किया है कि नया स्ट्रेन बुजुर्गों और बच्चों में तेजी से फैलता है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधी घर में घुसकर एक ट्यूशन टीचर को उठा ले गए। पटना में सुशासन जाग रहा था तभी एक घर में अपराधी घुसते हैं और बंदूक के दम पर लड़की को उठा ले जाते हैं। ये है बिहार की राजधानी पटना का हाल। पटना के फुलवारी शरीफ के नोहसा गांव में एक पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी लड़की को उठा लिया। एक सप्ताह बाद इस लड़की की सगाई होने वाली थी। बताया जा रहा है कि ये लड़की किडनैपर शख्स के घर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। जो 20 लोग ट्यूशन टीचर को किडनैप करने के लिए आए थे उन सभी के पास हथियार थे। किडनैपिंग के दौरान लड़की के घर वालों ने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग अपराधियों को खदेड़ने लगे। तब कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। हाँ तो 20 आदमी, अब 20 के पास रिवॉल्वर था, सारे के पास कट्टा रिवॉल्वर था, सारे के पास कट्टा। तुम मत बोलो, बोलेगा तो गोली मार देंगे। उसके बाद यहाँ भी देखिए पूरा हुआ है, यहाँ मरा है। किडनैपिंग के दौरान किसी का आधार कार्ड गिर गया, उस पर अमित का नाम लिखा है। आधार कार्ड का पता मधेपुरा का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फुलवारी शरीफ थाने के इंचार्ज का कहना है कि ये दोनों पहले से परिचित थे और प्रथम दृष्टया ये मामला अपहरण का नहीं लग रहा है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। पुलिस को घटनास्थल के पास से सीसीटीवी फुटेज में कार सवार अपराधियों के भागने की तस्वीरें भी मिली हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।